A uniform circular ring of radius r is fixed in a plane. ठीक है, सपोज इस टाइप की रिंग है जिसका रेडियस कितना है, यहां पर r दे रखा है. ठीक है, अ पार्टिकल इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस मच ग्रेटर देन r. ठीक है, मान लेते हैं कि इस तो डिस्टेंस x पर यहां पर पार्टिकल है, विच इज वेयर x इज वेरी 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 ग्रेटर देन r. ठीक है, इज अलाउड टू फॉल. ठीक है, ये इसके अट्रैक्शन में इस तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स द रिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिंग्स ग्रेविटी. ठीक है, अ पार्टिकल अचीव अ मैक्सिमम स्पीड v. ठीक है, जब वो यहां पर पहुंच जाएगा तो बेसिकली उसकी स्पीड v हो जाएगी. ठीक है, नाउ द रिंग इज रिप्लेस्ड विद वन ऑफ द सेम मास डेंसिटीज. अगर इसकी मास डेंसिटी बोले तो इसकी मास डेंसिटी लेमडा इज नथिंग बट m अपॉन 2πr. ठीक है, वन ऑफ द मास डेंसिटी बट रेडियस 2r. अच्छा, सेम मास डेंसिटी, एक और दूसरी रिंग बनाई गई, सेम काम कराया गया, जिसकी रेडियस 2r है, जिसका लेमडा कुछ तो लेमडा डैश है, इसका लेमडा कुछ तो लेमडा डैश है. बेसिकली दिस लेमडा डैश इज सेम टू लेमडा. अगर मैं इसका लेमडा डैश लिखूं तो इसका लेमडा डैश, सपोज इसका मास कुछ तो m डैश है, इज इक्वल्स टू 2 पाई इनटू 2r. तो अगर मैं लेमडा डैश को लेमडा के बराबर करता हूं तो m डैश अपॉन 2 पाई इनटू 2r इज इक्वल्स टू m अपॉन 2 पाई r. नाउ 2 पाई r r विल गेट कैंसिल आउट, सो m डैश विल बिकम 2m. Now, mass is getting double and radius is getting half. Mass double हो रहा है और radius half हो रही है. Basically, जब मैं potential energy लिखूंगा तो mass को double करूंगा और radius को अगर मैं half करता हूं तो basically उससे कोई impact आएगा ही नहीं, क्योंकि तो mass double हो रहा है और radius half हो रही है, तो basically velocity में कोई impact नहीं आना चाहिए. द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल. अगर मैं इसमें सेम में सेम एक्स दूरी से पार्टिकल को छोड़ू तो यहां पर पहुंचने पर किस स्पीड से आएगा, क्योंकि मास डबल हो रहा है और रेडियस हाफ हो रही है, तो वेलोसिटी में कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, मतलब पार्टिकल अगेन वी वेलोसिटी से यहां पर आएगा. हम चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं. अगेन हम लोग यहां पर इसकी वजह से पोटेंशियल हम लोग जानते हैं, माइनस जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं. जब हम लोग सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं. अगेन हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, बट हमें वो डायरेक्ट भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि मास डबल हो रहा है और रेडियस भी डबल हो रही है. मास भी डबल हो रहा है और रेडियस भी डबल हो रही है, मास भी टू टाइम हो रहा है और रेडियस भी टू टाइम हो रही है, तो कोई इंपैक्ट उसमें आएगा ही नहीं. तो बेसिकली सेम स्पीड से पार्टिकल वहां पर पहुंचना चाहिए.